हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सायरोटेक राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये है अपना पावर अडेप्टर, कुछ पेपर गाइड्स, और ये है सायरोटेक का वाईफाई राउटर। छोटा सा है, काफी लाइट वेटेड है। अब हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले पावर केबल कनेक्ट करना है, उसके बाद लैन केबल कनेक्ट करना है, उसके बाद आप जिस कंपनी का नेट यूज कर रहे हो, उसी जो भी कंपनी है आपकी, उस कंपनी का ऑप्टिकल फाइबर हमें कनेक्ट करना है। उसके बाद ये जो हमारी दूसरी साइड है लैन केबल की, वो हमें लैपटॉप को कनेक्ट करनी है। अब हम इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल ओपन करना है, उसके बाद आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे टाइप करना है, जो आपको आपके राउटर के पीछे जो बार कोड है वहाँ पे मिलेगा, वो यहाँ पे हमें एंटर करना है। और ये देखो, हमारा जो सायरोटेक का लॉगिन होम पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसी बार कोड पे आपको बाय डिफॉल्ट यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा, वो एंटर करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछ रहा है, तो हमारा जो ओल्ड पासवर्ड है वो हमें टाइप करके यहाँ नीचे सेकेंड बॉक्स में न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पे आपको नया वाला पासवर्ड डाल के अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको सायरोटेक का लॉगिन पेज खुल जाएगा, वहाँ पे आपको यूजर नेम और नया वाला पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, हमारा वेब मैनेजर जो सायरोटेक का पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसमें हमें नेटवर्क पे क्लिक करना है, और उसके बाद हमें जो सायरोटेक का डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें डिलीट करना है। उसको डिलीट करने के बाद यहाँ पे हमें नया कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मोड पे राउटर सिलेक्ट करना है। आईपी प्रोटोकॉल मोड में हमें यहाँ पे IPv4/IPv6 इस ऑप्शन पर क्लिक करनी है। उसके बाद नीचे PPPoE इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अनेबल NAT यहाँ पे हमें क्लिक करनी है। उसके बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे हमें डालना है, जो आप जिस कंपनी का नेट यूज कर रहे हो वो कंपनी आपको वो यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेगी, तो हमें वहाँ पे ये इंटर करना है। उसके बाद पोर्ट बाइंडिंग इस ऑप्शन पे, ये जो आपको तीन बॉक्स दिख रहे हैं उस पे हमें क्लिक करना है। और उसके बाद सेव एंड अप्लाई इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें अपना वाईफाई का नेम चेंज करना है, तो इसीलिए हमें WLAN इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसमें जाके यहाँ पे SSID इस ऑप्शन में हमें नया वाला ना वाईफाई का नेम टाइप करना है, और अप्लाई चेंज इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद हमें अपना राउटर का जो वाईफाई का हमारा पासवर्ड है वो भी चेंज करना है। अब हमें WLAN सिक्योरिटी इस ऑप्शन पे क्लिक करनी है, प्रीशेयर्ड की वहाँ पे अपना नया वाला पासवर्ड डाल के अप्लाई चेंजेस इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें लॉग आउट होना है। यहाँ से लॉग आउट होने के बाद आप एक बार चेक कीजिए कि आपका इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है कि नहीं। तो ये देखिए, हमारा जो नया वाईफाई नेटवर्क है वो कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने राउटर का कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हो। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा,
ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।